फ्रेंड, आज हम एक नया रेसिपी बनाने जा रहे हैं, कटोरी सॉस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कटोरी सॉस। इस बॉल से फ्रेंड, दो बॉल सत्तू, दो बॉल मैदा, एक मीडियम साइज प्याज, लहसुन अदरक और मिर्चा का पेस्ट, मूंगफली, 3 टमाटर, नमक, कलौंजी, हल्दी, क्रोन, सब्जी मसाला, चाट मसाला और गरम मसाला और 2-3 मिर्चा। फ्रेंड, पहले देखिए, हम प्यूरी तैयार करेंगे। इसके लिए हम टमाटर को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे इस तरह। इस तरह आप टुकड़ों में काट लीजिए फ्रेंड टमाटर को। सारे टमाटर हम इसी तरह काट लेंगे। फ्रेंड, अब देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे फ्रेंड, बस। उसके बाद हम ये मिर्ची के टुकड़े गैस को मीडियम फ्लेम पे करके मिर्चा का टुकड़ा डाल लेंगे। ये देखिए, ये हम चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद हम ये मूंगफली डाल के चला लेंगे। मूंगफली 1 मिनट को फ्राई करने के बाद हम ये प्याज को डाल लेंगे। प्याज को हल्का 2 मिनट तक चला, सिर्फ गर्म करना है फ्रेंड चलाते हुए। देखिए फ्रेंड, अब हम इसमें टमाटर को डाल लेंगे। इससे हमारा प्यूरी बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगा फ्रेंड। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड, इसको फ्लेम को एकदम लो करेंगे और इसको थोड़ा चला किसी बर्तन से ढक देंगे। अब इसमें फ्रेंड हम 2 चम्मच लहसुन अदरक और मिर्चा का पेस्ट डालेंगे। इसमें फ्रेंड 1 साबुत लहसुन, 3-4 मिर्चा और 1 टुकड़ा अदरक। अब फ्रेंड, अब हम इसको बिना पानी के एकदम मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा 2 मिनट तक ढक लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें डालेंगे फ्रेंड 1/4 चम्मच गरम मसाला, ये चाट मसाला और सब्जी मसाला, तीनों 1/4 चम्मच फ्रेंड डालेंगे। और 1 चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी डालेंगे। अब हम इसको फिर से मसाला थोड़ा भूनने के लिए इसको धीरे धीरे ढक के लो फ्लेम पे 2 से 5 मिनट चलाते हुए ढक लेंगे। फिर चलाएंगे इस तरह 2-3 मिनट तक भून लेंगे। फ्रेंड, जब तक वो फ्राई हो रहा है आप तब तक हम आटे को लगा लेते हैं। इसमें सत्तू और आटे को दोनों को मिक्स कर दें या मैदे को मिक्स कर लेंगे। काट दिया, सत्तू और मैदे को मिक्स कर लेंगे। इससे फ्रेंड 7-8 आदमी का नाश्ता
बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम नमक डाल लेंगे, नमक डाल लीजिएगा स्वाद अनुसार, हल्का नमकीन हो जाए आटा। और ये कलौंजी डालेंगे, और हम एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, और रिफाइन ऑयल डाल लेंगे। रिफाइन ऑयल 5 से 6 चम्मच बड़ा चम्मच से डाल लीजिए। अब हम मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम आटे को पानी का छीटा देके, न ज्यादा गीला लगाइएगा फ्रेंड, न ज्यादा हार्ड, मीडियम रोटी के आटे की तरह गूंथ लीजिएगा। फ्रेंड देखिए, ये हाथ के पंजों के सहारे से मसल मसल के थोड़ा आटे को अच्छे से लगा लीजिएगा, ताकि सत्तू के साथ ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। थोड़ा दबाव देते हुए हम इसको लगाएंगे, ये देखिए। और लास्ट में 1 चम्मच बर्तन में चारों तरफ से तेल को देके इस तरह फिर से 1 सेकंड 2 सेकंड मसलते हुए ये देखिए मिक्स करके चिकना कर लेंगे फ्रेंड। अब हमारा आटा ये देखिए बिल्कुल लगकर तैयार हो गया। फ्रेंड देखिए, ये हमारा अब प्यूरी के लिए तैयार हो गया। अब गैस को बंद करके 2 मिनट तक ठंडा होने देंगे, उसके बाद मिक्सर जार में डाल के इसको पीस लेंगे। फ्रेंड पानी 1-2 स्पून देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। फ्रेंड देखिए, इसमें हम इतना ही पानी देंगे फ्रेंड, ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो ये हमारी प्यूरी बिल्कुल पतला हो जाएगा। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह छन्ने में रख के हम इस तरह करेंगे तो हमारा प्यूरी देखिए नीचे निकल रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है ये इसमें रह जाएगा। फ्रेंड इस तरह ही आप सारा प्यूरी निकाल लीजिएगा। फ्रेंड देखिए, ये हमारा बिल्कुल कितना स्मूथ और अच्छा प्यूरी बन गया। फ्रेंड देखिए, आटे को इस तरह आप लोई बना लीजिए, थोड़ा मोटा। अब हम इसको इस तरह बेल लेंगे, ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा और ना ज्यादा मोटा। इस तरह बेल के, आपके पास अगर कटर हो तो कटर से काट लीजिए, नहीं तो कोई बर्तन इस साइज का हो तो यूज कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, यह हमने छोटा सा गिलास लिए हैं, और थोड़ा तेजी से मारिए, ये देखिए, प्रेस करते हुए मारिए, ताकि ये अच्छे से हमारा निकल जाए एकदम शेप में। इसी तरह हम सारे को निकाल लेंगे। फ्रेंड एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, हम इसका शेप कैसे देंगे। ये देखिए, थोड़ा प्रेस करते हुए इसको कटिंग कीजिएगा। इसी तरह आप सारे कर लीजिएगा। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड ये सारा कटिंग हो गया। अब हम अपने ट्रे में इसको इस तरह बेक होने के लिए डाल लेंगे। इस तरह आप सारे में डाल लीजिए। पांच मिनट तक फ्रेंड इसी तरह आप मीडियम फ्लेम पे बेक होने दीजिए, इसको ढक दीजिए।
देखिए फ्रेंड, यह हमारा बेक हो गया। अब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इस तरह हिला दीजिए और फिर से 2 मिनट गैस को कम करके और इस तरह छोड़ दीजिए। फ्रेंड देखिए, यह हमारा, देखिए इस तरफ से देखिए, हमारा बेक हो गया। अब हम इस पे ये प्यूरी जो तैयार किए थे, अब इस पे हम हल्का हल्का इस तरह डालेंगे, ज्यादा नहीं, 1/4, हल्का सा। फिर सारे में इसी तरह भर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये सारे में हम अपना प्यूरी डाल दिए। अब आप इस 2 या 3 पीस क्रोन इस तरह डाल लिए और फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा फ्रेंड। सारे में हम इस तरह डाल लेंगे क्रोन। फिर से फ्रेंड, हम ये क्रोन को थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए 2 मिनट ढक के छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, अब ये तैयार हो गए। आप स्पून के या किसी चीज के सहारे से अच्छे से इस तरह निकाल लीजिएगा, हाथों को बचाते हुए। देखिए, ये हमारा क्रोन भी इसी पे रहे, इसलिए थोड़ा सा इस तरह। फ्रेंड, अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा कटोरी सॉस का, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।